हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर का ही, क्लास 12 का, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको जानने के लिए पहले हमको जानना होगा कूलम्स लॉ क्या था, चार्ज क्या था। इसको जानने के लिए पिछला जो लेक्चर है वो जरूर देख लेना, ठीक है। फिर ये लेक्चर स्टार्ट करो, फिर देखना समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, बहुत ईजी भी हो सकता है। ठीक है, तो हेडिंग दे दो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हम लोग पहले एक चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने कैपिटल क्यू। थोड़ा सा बड़ा करके देते हैं, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू क्या है, यहां पे एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, कैसे फोर्स जनरेट कर सकता है, क्योंकि उसके साइड में और एक चार्ज लाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, उसका नाम देते हैं हम लोग स्मॉल क्यू। तो क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू के बीच में एक फोर्स रहेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब फोर्स का वैल्यू क्या होगा, और कब तक इसका फील्ड काम कर पाएगा, फील्ड मतलब इसका जो फोर्स है वो कब तक काम होगा, कितना डिस्टेंस तक काम करेगा, ये जानने के लिए एक चार्ज को लाना होगा। ठीक है, तो कैपिटल क्यू का बोलेंगे हम लोग सोर्स चार्ज, और स्मॉल क्यू का बोलेंगे हम लोग टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्यों है, क्योंकि एक टेस्ट करेगा, क्या टेस्ट करेगा, अब कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है वो टेस्ट करेगा। सो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, है पार्टिकल क्यू, चार्ज पार्टिकल क्यू है, चार्ज पार्टिकल क्यू, चार्ज पार्टिकल क्यू सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेगा, सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, तो क्यू पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। ओके, नाउ पार्टिकल स्मॉल क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस ऑन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस ऑन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉजिटिव जो चार्ज q था इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक स्मॉल q चार्ज को लाएंगे। ठीक है, अब कहां लाएंगे, एट ए सर्टेन डिस्टेंस r, यहां पे एक सर्टेन डिस्टेंस r, अब डिस्टेंस निकल गया आर। ओके, सो नाउ चार्ज पार्टिकल क्यू, सो नाउ अगेन चार्ज पार्टिकल पार्टिकल स्मॉल क्यू, अभी चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू क्या करेगा, एक
फोर्स को फील करेगा, क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल q, स्मॉल q, अगर पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। तो q फील्स ए फोर्स आइदर इट्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, आइदर इट्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो डिपेंड करेगा जो स्मॉल क्यू चार्ज लिया उसका चार्ज का वैल्यू क्या, मतलब कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन चार्ज, डिपेंडिंग ऑन चार्ज, ठीक है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड क्योंकि उसका एक डायरेक्शन रहेगा। सो यहां पे हम लोग पहले एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक वेक्टर फील्ड होगा, इज ए वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड, ठीक है। अब यहां पे एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो हम लोग यहां पे एक एक चार्ज ऑब्जेक्ट लिया। अब कौन सा चार्ज है, यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाउ इस पॉजिटिव चार्ज के पास हम लोग यहां से कुछ डिस्टेंस में यहां पे एक और पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, इसका वैल्यू होगा क्यू नॉट, ठीक है। वो क्यू नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्ट चार्ज। अब इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये टेस्ट करेगा ये जो चार्ज बॉडी है इसका फील्ड कहां तक है, तो इसका फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कितना स्ट्रांग होगा इसका फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, ठीक है, और ये वाला क्या होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर टेस्ट चार्ज यहां पे लाएंगे तो क्या होगा, ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है और चार्ज ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, तो यहां पे एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा, रिपल्सिव फोर्स अगर बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि चार्ज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, एंड वी नो दैट लाइक चार्ज दे रिपल ईच अदर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन एंड इक्वेशन क्या होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज नोट कर लो यहां पे, इट इज रिस्पॉन्सिबल for conveying the information for the information of force, कौन सा force, अब ये वाला force होगा, ये वाला force electrostatic force which involve both magnitude and direction, which involve both magnitude and direction, ठीक है। तो इसका value क्या होगा,
सो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, द चार्ज ये वाला सॉरी ये वाला फोर्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए ओवर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। ई का यूनिट क्या होगा, एफ का यूनिट क्या होता है फोर्स न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, सिंपल एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट होगा न्यूटन कूलम टू द पावर माइनस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी निकल गया। नाउ अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, इफ चेकिंग द सोर्स चार्ज क्यू इज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन जाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रू है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव। अगर यहीं पर अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू नॉट को और स्मॉल क्यू को, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन जाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि ये वाला भी पॉजिटिव होगा, ओके। सो इन दैट केस हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव लाएंगे तो फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ। नाउ अगर नेगेटिव होगा तो, इफ सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, इनवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी सेटअप एंड बाय चार्ज ऑब्जेक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी, कौन सेट करेगा, चार्ज ऑब्जेक्ट और सोर्स फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज सेटअप बाय ए चार्ज ऑब्जेक्ट, सेटअप बाय ए चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है, कौन सेट करेगा, चार्ज ऑब्जेक्ट सेट करेगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर पोजीशन वेक्टर यहाँ से ये डिस्टेंस अगर r हो जाएगा, वो ये पोजीशन वेक्टर r, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो e वेक्टर दैट इज इक्वल टू f ओवर q नॉट, तो यहाँ पे अगर उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेगा देखो, सो e फंक्शन ऑफ r, ठीक है, f फोर्स फील्ड फंक्शन ऑफ r ओवर q, ठीक है। अब q क्या होगा, एक टेस्ट चार्ज q नॉट, अगर q नॉट दे देता है किसको देखेंगे, क्या बोलेंगे q नॉट को हम लोग, एक टेस्ट चार्ज, तो f ऑफ r फंक्शन ऑफ r इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फंक्शन ऑफ r दैट इज q नॉट टेस्ट चार्ज e ऑफ r, ठीक है, ये सेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो और यहां से भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग अगर e ऑफ r को F क्या होगा, दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर हम लोग यहाँ पे सोर्स चार्ज Q होगा और टेस्ट चार्ज Q नॉट होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज ओवर सेपरेशन स्क्वायर R स्क्वायर, एंड नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा Q नॉट टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, Q नॉट से टेस्ट चार्ज कट जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, e ऑफ r फंक्शन ऑफ r दैट इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल q ओवर r स्क्वायर, इसको एक बॉक्स बना दो, ठीक है, याद रहेगा कैसे निकला,
या फॉर इक्वल टू ये वाला, अगर इस पे वेक्टर साइन रहेगा तो एक डायरेक्शन भी रहेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सॉरी डायरेक्शन मिस होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप। ठीक है, अब आर कैप मतलब ये आर देखो बाहर की तरफ डायरेक्टेड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही डायरेक्शन पे जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस डायरेक्शन पे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन पे जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन ही फॉलो करेगा। ओके, क्लियर हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज न्यूमेरिकल इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड बाय इट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड due to a charge q, due to a charge, source charge q, is numerically equal, is numerically equal to the force, equal to the force, the force exerted by it. By it. ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो अगर यहां पे E equal to function of R, एक अगर लिमिट ऐड कर देंगे, लिमिट चार्ज क्यू टेंस टू जीरो, तो क्या होगा, एफ ऑफ आर ओवर क्यू। आर दो ना दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ई भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर, एफ भी डिपेंड करता है आर के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर बहुत सारा चार्ज रहेगा एक सिस्टम में, पहले यहां पर था एक ही सिंगल चार्ज, ठीक है, अब बहुत सारा चार्ज रहेगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब सिस्टम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज, तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर हम लोग एक सिस्टम में बहुत सारा चार्ज रहेगा, लाइक यहां पे अस्यूम कर लो क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर। ठीक है, अब इसकी वजह से एक सर्टेन डिस्टेंस, ये ओरिजिन पॉइंट ओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ड्यू टू ऑल दिस सोर्स चार्ज। ठीक है, अगर ऑल ये सोर्स चार्ज हो जाएगा तो इस पॉइंट पे, इस ओरिजिन पॉइंट ओ, और कोई भी एक पॉइंट दे दो ए बी सी डी करके, इस ओरिजिन पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसका पोजिशन वेक्टर हम लोग दे देते हैं R1, ओके, इसका दे देते हैं R2, इसका दे देते हैं R3, इसका दे देते हैं हम लोग R4, डॉटर का इन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल भी यहाँ पे हो सकता था। सो अगर यहाँ पे फोर्स वेक्टर कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, अब ये फोर्स वेक्टर E1 इस डायरेक्शन पे जाएगा, नाउ E2 इस डायरेक्शन पे जाएगा, E3 इस डायरेक्शन पे जाएगा, एंड फाइनली E4 इस डायरेक्शन पे जाएगा। ओके, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है, तो चारों को जस्ट ऐड कर देंगे। ओके, सो E1 क्या होगा यहाँ पे, सो E1 दैट इज इक्वल टू
वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज क्यू वन ओवर आर वन स्क्वायर और आर वन जीरो दे दो यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इस ओरिजिन पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, वो पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आर वन जीरो स्क्वायर एंड आर वन जीरो कैप। नेक्स्ट ई टू क्या होगा, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू आर टू जीरो स्क्वायर एंड आर टू जीरो कैप। सिमिलरली ई थ्री क्या होगा, बहुत इजी है, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू थ्री ओवर आर थ्री जीरो स्क्वायर आर थ्री जीरो कैप। एंड फाइनली ई फोर क्या होगा, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू फोर ओवर आर फोर जीरो स्क्वायर एंड आर फोर जीरो कैप। और ये सुपरपोजिशन थ्योरम का फॉलो करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद और भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो अगर एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा तो सिंपल हम उसको ऐड करेंगे। सो फाइनली क्या मिलेगा, ई टोटल। सो क्या होगा, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन चला जाएगा, तो अब बचेगा क्या, क्यू वन ओवर आर वन जीरो स्क्वायर एंड आर वन जीरो कैप प्लस क्यू टू ओवर आर टू जीरो स्क्वायर आर टू जीरो कैप प्लस क्यू थ्री आर थ्री जीरो स्क्वायर आर थ्री जीरो कैप प्लस क्यू फोर आर फोर जीरो स्क्वायर आर फोर जीरो कैप। अगर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आएगा तो क्या होगा, डॉट डॉट करके n नंबर ऑफ तक जाएगा। इफ कंसीडर कर लेते हैं, अगर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इक्वल टू 1 टू n, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो qi ओवर r i जीरो स्क्वायर एंड आर आई जीरो क्या, ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई टी। ठीक है, निकल गया हम लोगों का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इजी था टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक सिंपल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है, वो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना दूर तक काम कर सकता है उसको चेक करेंगे। एक होगा सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का फील्ड हम लोग चेक करेंगे टेस्ट चार्ज को लेकर लेके आके। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कहीं पर भी कुछ डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आज का क्लास यही तक रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, और ये लेक्चर जो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और डाइपोल क्या है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।